हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होगे गाइस। तो गाइस आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ। और हाँ गाइस, आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है और बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस अब पूरे वीडियो को देखना, वीडियो को मिस मत करना गाइस। अब मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, आज मैं गारंटी के साथ ले रहा हूँ कि आप सीखोगे जरूर। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हुए लेट्स गो। तो फ्रेंड चलते हैं पिक्सार की तरफ और पिक्सार को करते हैं ऑन। पिक्सार ऑन कर लेते हैं गाइस। पिक्सार्ट ऑन करने के बाद क्या करना है, आपको इस प्लस का आइकन पे क्लिक कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑल फोटो पे क्लिक करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको डायरेक्ट अपनी फाइल में आ जानी है। तो अपनी फाइल में आ जाने के बाद गाइस ये वाली बैकग्राउंड जो है इसको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना है ठीक है। तो गाइस एक मिनट में इसको रोटेट कर लेता हूँ। तो गाइस अब इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको फोटो ऐड करनी है। तो ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको जाना है ड्रा टूल में। तो चलते हैं ड्रा टूल में। ड्रा टूल में जाने के बाद क्या करना है गाइस, आपको इस फोटो पे क्लिक करना है ठीक है। और अपनी फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो चलते हैं अपनी फाइल में और ये वाली फ़ोटो को यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने से पहले क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे कुछ साइडो बनाना है ठीक है। तो साइडो क्या करना है आपको, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद गाइस, क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना और उसके बाद एंटी लेयर बना लेना ठीक है। यहाँ पे बना लिया और क्या करना है गाइस, आपको इस फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको इस तीन डॉट पे क्लिक करके अपने फोटो को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद तो यहाँ पे बीच जो लेयर है इसमें खाली बचा हुआ है, इसमें क्लिक करना है। आपको उसमें ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेनी है। तो ब्लैक कलर यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। और क्या करना है, आपको जो फर्स्ट में फोटो दिख रहा है उसमें आपको क्लिक करनी है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मल्टी प्ले पे आपको क्लिक कर देनी है। और क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको इस फिर से तीन डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से कर देनी है मर्ज। मर्ज करने के बाद क्या करना है, आपको जो ब्लैक वाली साइड है उसे नीचे कर देनी है ठीक है। और क्या करना है, आपको तीन डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से उसको ये कर देनी है ठीक है। तो आपको यहाँ से साइडो मिल जाएगा, देख सकते हो गाइस। तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ थोड़ा साइडो, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ साइडो दिखेगा। तो यहाँ पे मैं कर लिया डन, तो यहाँ से कर लेते हैं डन गाइस। उसे क्या करना है, थोड़ा ऑपोजिट को यहाँ पे कम कर देनी है। तो कुछ इस तरीके से आपको लगना चाहिए भाई पीछे कुछ बैठा हुआ है ठीक है। तो ये काम तो हो गया गाइस। अब क्या करना है, आपको फिर से एक लेयर बनाना है। और लेयर बनाने के बाद क्या करना है, आप साइड साइड में कुछ साइडो बनाना है। तो आपको फिर से ब्रश पे क्लिक करना है और ब्रश पे क्लिक करने के बाद थोड़ा ऑपोजिट को आप कम रखना है और थोड़ा साइज को आप छोटा कर लेना या बड़ा कर लेना अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हम थोड़ा साइज को छोटा कर लिए और फोटो कर लेते हैं जूम। जूम करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ साइड साइड में थोड़ा साइडो बना देना है कुछ इस तरीके से। तो मैं बना लेता हूँ गाइस। तो वैसे आप देख सकते हो कि साइड साइड में जो साइड बन चुका है और यहाँ से थोड़ा ऑपोजिट को हल्का सा कम कर लेंगे ठीक है। तो यहाँ से हो गया डन ठीक है। तो यहाँ पे सारा काम खत्म हो गया, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और कुछ यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको हेयर स्टाइल लगाना है और कुछ इंस्टाग्राम का लोगो है वो मैं सेट करने वाला हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो चलते हैं फिर से ऐड फोटो में। उसके बाद अपने फाइल में आ जाते हैं। अपने फाइल में आ जाने के बाद आपको ये ले लेनी है और ये हेयर स्टाइल लेकर यहाँ पे सेट करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हेयर स्टाइल को साइड कर देता हूँ। सबसे पहले ये बॉल जैसा है मैं इसको यहाँ से सेट कर लेता हूँ हैंड में ठीक है। तो इसको तो साइज को छोटा कर लूँगा और यहाँ पे हैंड पे करूँगा, थोड़ा आपको ऑपोसिटी को कम कर देनी है ठीक है गाइस। यहाँ पे फोटो जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करूँगा ठीक है। तो आपको इरेजर पे क्लिक करना है, थोड़ा आपको हार्डनेस को बढ़ा लेनी है। हार्डनेस को बढ़ाने के बाद आपको साइज को छोटा कर लेनी है और यहाँ पे आपको फिंगर को बाहर लाना है। तो आपको क्या करना है, इसको लोगों पर थोड़ा कट कर देनी है ताकि आपकी जो फिंगर है बाहर दिखे। तो यहाँ पर मेरा जो फिंगर है बाहर दिख रहा है और ये फालतू जो कट हो जाता है तो आपको ब्रश पे क्लिक करके इसको कर यहाँ पे मिला के सेट कर देनी है। तो गाइस आप देख सकते हो कि वहाँ अच्छे तरीके से यहाँ बॉल जो सेट हो चुका है। तो यहाँ से ऑपोजिट को बढ़ा लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या करना है, आपको हेयर स्टाइल यहाँ पे सेट कर देना है ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा रॉकेट यहाँ से घुमा लेता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ सेट। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ सेट करना है गाइस। देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है मेरा। यहाँ पे जो फोटो थोड़ा साइज बड़ा कर लूँगा। और क्या करना है, आपको जो फालतू फाट दिख रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपको रेजर पे क्लिक करना है और यहाँ से कट कर लेनी है। कुछ इस तरीके से आपको कट करना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो काम है हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद गाइस क्या करना है, कुछ कलर सेटिंग करना है। तो उसके लिए चलते हैं लाइट रूम की तरफ। तो यहाँ से फोटो को सेव कर लेते हैं डॉट रूम में जाकर। यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करके सेव में क्लिक कर लेते हैं और चलते हैं लाइट रूम की तरफ। तो गाइस चलते हैं लाइट रूम की तरफ। तो लाइट रूम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। लाइट रूम ओपन करने के बाद गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पे इस प्लस का पे क्लिक करना और यहाँ पे फोटो को ऐड कर लेते हैं। ये वाली फोटो को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस हमारा जो फोटो ऐड हो चुका है, तो कर लेते हैं फोटो को ओपन। ओपन करने के बाद जैसे करना है, आपको कुछ यहाँ पे कलर सेटिंग करना है। तो आपको कलर पे क्लिक करना है, ये लाइट पे क्लिक करना है। थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ाकर रखेंगे, ज़्यादा नहीं सॉरी। उसके बाद तो साइडों को आप देख लेना। तो साइडों को हल्का सा मैं थोड़ा बढ़ाकर रखूँगा
ठीक है, और वाइट बैलेंस है तो वाइट बैलेंस का कम रखना, ठीक है, अथवा ब्लैक को आप यहाँ पे कम कर देना, ठीक है, ऐसे बढ़ाकर रखना ताकि ब्लैक जो है चमक आता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं गाइस, उसे क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना, उसके बाद मिक्स पे क्लिक करना, मिक्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको यू को आपको यहाँ पे सॉरी गाइस बढ़ा यहाँ पे कम बेसी करके आपको सेट कर लेनी है। तो थोड़ा मैं यू को यहाँ पे कम कर लेता हूँ, थोड़ा आपको यहाँ पे सैचुरेशन को करना है ज़्यादा, ठीक है। उसका करना है आपको लुमिनस को कुछ नहीं करना है गाइस, ठीक है। उसका क्या करना है आपको ब्लू टोन पे क्लिक करना है, यू को थोड़ा सा आपको कम कर देनी है, ठीक है, थोड़ा सैचुरेशन को आपको बढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस आपको इस पर क्लिक करना है ऑरेंज टोन पे, उसका क्या करना है लुमिनस को हल्का सा बढ़ा देना ताकि आपकी जो फेस पे गोरा हो जाए, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद क्या करना है गाइस आपको थोड़ा सैचुरेशन को कम कर देनी है, ठीक है, जिस तरीके से आपको यहाँ कम कर देनी है गाइस, और थोड़ा सा इसको वेवरेंस को बढ़ा देनी है। तो गाइस और यहाँ पे काम हो गया, उसका क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा थोड़ा मीडियम रखेंगे, अथवा वेवरेट को यहाँ पे बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है, साफनेस को थोड़ा बढ़ा लेनी है तो जो हमारा जो फोटो अच्छे तरीके से साफ दिखे। और यहाँ पे फेस स्मूथ करने के लिए क्या करना है, नॉइस पे आपको यहाँ पे थोड़ा सी बढ़ा लेनी है ताकि जो फेस अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कलर कलर जो कलर वाइज दिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है कलर जो स्मूथ हो जाए, कलर ज़्यादा फटाफट जो दिखता है कलर उसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए आपको यहाँ से ये वाली बढ़ा देनी है ताकि जो सारा चीज़ बेस्ट हो जाए। तो वैसे आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो है अच्छी तरीके से यहाँ एडिट हो चुका है, वैसे आप देख सकते हो अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे एडिट हो चुका है। तो वैसे अभी क्या करना है इसको सेव करने के लिए आपको तीन डॉट पे क्लिक करना है, तीन डॉट पे क्लिक करने के लिए आपको सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेनी है। यहाँ पे आपका जो फोटो है फुल HD में सेव होता है। तो अच्छा लगा हो तो वैसे अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और दबा के शेयर करना, और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।